गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम सुपर ट्रेंड स्ट्रैटेजी को MCX पे कैसे यूज कर सकते हैं। हमने आपके लिए तमाम पॉपुलर स्ट्रैटेजीज जो है ट्रेडिंग व्यू की बाय डिफॉल्ट, उन्हें आपके लिए एल्गोरिथमिक कोड में कन्वर्ट करके उसके लिंक्स जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दिए। कुछ इस प्रकार से लिंक्स दिखेंगे आपको, Stoxo-STD-SuperTrend Strategy फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। तो आपको करना ये है कि आप जब इस पेज पे या लिंक ओपन अप करेंगे तो आपको पहले तो ध्यान देने देना एक ये मैसेज के ऊपर, क्योंकि ये जो मैसेज है strategy.order.alert_message ये आपका जाएगा मैसेज एरिया में, जो मैं दिखा दूंगा आपको आगे वीडियो में। कुछ केसेस में ये strategy.order.comment भी हो सकता है, इसलिए ये एरिया पे ज़रूर एक बार पढ़ ले, वरना आपके अलर्ट्स काम नहीं करेंगे। ठीक है, तो आप सबसे पहले नीचे जाके, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने रिमूव फ्रॉम फेवरेट इंडिकेटर्स कर दिए, ठीक है, अब मैं इसे ऐड टू फेवरेट इंडिकेटर्स क्लिक कर दे रहा हूँ। ओके, तो इससे होगा क्या कि जो मेरी इंडिकेटर लिस्ट है, ओके, जब मैं इसे रीलोड करूँगा तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि इंडिकेटर्स में आपको फेवरेट्स में Stoxo-STD-SuperTrend Strategy जैसा कि आपने ये अभी लिंक देखा था, ठीक है ना, ये नाम आपको ऊपर मिल जाता है। तो अब ये स्ट्रैटेजी मेरी यहाँ पे लग चुकी है। ठीक है, तो ये अभी एक जनरल एक स्ट्रैटेजी है, कुछ नहीं है। आज हम MCX के तौर पे इसको देखने वाले हैं कि हम क्रूड में किस तरीके से फायर करेंगे। ठीक उसी तरीके से आप बैंक निफ्टी फ्यूचर्स हो या कैश हो, आप उसे फायर कर सकते हैं। ऑप्शंस में अगर फायर करना है तो उस पर डेफिनेटली हम एक लाइव वीडियो रोल आउट करेंगे, लेकिन आप इसी स्ट्रैटेजी को स्टॉक ऑप्शंस या इंडेक्स ऑप्शंस के लिए भी यूज कर सकते हैं, अगर आप लॉन्ग कॉल एंड लॉन्ग पुट ऑटोमेटिकली बाय करना चाहते हैं। तो आपको मैं इस स्ट्रैटेजी के बेसिक्स यहाँ पे बता देता हूँ। ये जो स्ट्रैटेजी है ये फ्री अकाउंट होल्डर्स है उनके लिए भी काम करेगी, ट्रेडिंग व्यू के पॉपअप्स के बेसिस पे क्रोम एक्सटेंशन आप इंस्टॉल कर लेंगे, और जो पेड यूजर्स हैं ट्रेडिंग व्यू के तो उनके वेबहुक्स के थ्रू भी ये काम करती है। तो सबसे पहली चीज़ स्टॉक्सो में चलते हैं और देख लेते हैं जो सिंबल मैपिंग रिक्वायर्ड होती है। अगेन, अगर मुझे फ्यूचर्स में ही प्ले अराउंड करना है, जैसा इस वीडियो का ऑब्जेक्टिव है MCX फ्यूचर्स, ओके, एंड बाकी अगर आपका कैश है या फ्यूचर्स है तो आप ये ध्यान दें, आपने स्टार यहाँ पे डेटा प्रोवाइडर बाय डिफॉल्ट आपको ट्रू डेटा मिलेगा, आप ट्रेडिंग व्यू कर दें या फिर आप एक अलग स्ट्रैटेजी टैग बना लेंगे और एक नई सिंबल मैपिंग क्रिएट कर लेंगे। स्टार एंड स्टार एक्सचेंज आप NSE ही रहने दें। कारण ये है, ये जो स्टार एंड स्टार मैपिंग है ये ओवरऑल सेगमेंट्स के लिए एक ही मैपिंग है, अनलाइक ऑर्डिनरी ब्रिजेस जो आपसे हर एक स्क्रिप्ट की सिंबल मैपिंग क्रिएट करवाते हैं। स्टॉक्सो है एक इंटेलिजेंट ट्रेडिंग ब्रिज, तो आप ये समझ लीजिए कि स्टार एंड स्टार मैपिंग कवर्स अप ऑल द फ्यूचर्स, ऑल द कैश सेगमेंट, आपके पूरा MCX को बड़े इजीली सिर्फ ये एक मैपिंग संभाल सकती है, अगर आप एक बाय डिफॉल्ट रूल पे काम कर रहे हैं। अगर आपके ट्रेड्स में डिफाइंड है कि भाई स्टॉप लॉस ट्रेलिंग, टारगेट टारगेट ट्रेलिंग, तो आप वो भी डिफाइन कर सकते हैं। अगर आप जाना चाहते हैं इंडिविजुअल मैपिंग पे तो आप बिल्कुल उस तरीके से भी काम कर सकते हैं, जिसे मैं आपको आगे दिखा देता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये क्रूड ऑयल है, ठीक है, अब अगर मुझे एकदम पर्टिकुलर स्पेसिफिक उसमें काम करना है तब मुझे इंडिविजुअल सिंबल मैपिंग की जरूरत पड़ेगी, बट अगर मेरा काम सिग्नल टू सिग्नल बेसिस का है तो आई डोंट थिंक सो मुझे सिंबल मैपिंग बनाने की जरूरत है, बिकॉज इवेंचुअली तो मेरी एंट्री और एग्जिट ट्रेडिंग व्यू ही कंट्रोल कर रहा है। तो मैं यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू सेलेक्ट कर लेता हूँ। मैपिंग टाइप में आप देख सकते हैं कि मैंने ले लिया है करंट मंथ फ्यूचर्स या नेक्स्ट मंथ फ्यूचर्स, जो भी आपको लेना है। तो फॉर एग्जांपल करंट मंथ फ्यूचर्स ले लिया, यहाँ पे आप MCX डिफाइन कर देंगे और यहाँ पे आप लिस्ट में नाम टाइप कर देंगे तो क्रूड ऑयल आ जाएगा। अब ऑर्डर टाइप क्या होगा, MIS होगा, NRML होगा, CNC होगा। अब जाहिर सी बात है फ्यूचर्स है तो आप सिर्फ MIS और NRML कर सकते हैं, या ब्रैकेट ऑर्डर या कवर ऑर्डर अगर आपका ब्रोकर सपोर्ट करता है तो। ठीक है, तो ऑर्डर टाइप्स आपको पांचों टाइप मिल जाती है। मैं MIS ले ले रहा हूँ। एंट्री मार्केट, एग्जिट भी मेरी मार्केट है, अगर लिमिट चाहूँ तो बिल्कुल, एंट्री भी मैं चाहूँ मार्केट, लिमिट, SL SLM, तो मैं उस तरीके से डिफाइन कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे क्रूड को ले ले रहा हूँ फॉर एग्जांपल, और मैंने यहाँ पे डाल दिया BN ऑप्शंस, ये टैग पे पास कर दिया। टैग बेसिकली, जैसा कि हमने हर वीडियो पे बताया, टैग बेसिकली एक नेम होता है जो आप पे हम जहाँ पे हम डिसाइड करते हैं कि किस अकाउंट में ऑर्डर जाएगा, सिम पे जाएगा, रियल पे जाएगा, या मेरे टू अकाउंट्स में जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे स्टॉप लॉस मैंने जैसे मान लीजिए क्रूड का सेट कर दिया कि भाई 5% का मेरा स्टॉप लॉस है एंड 5% का मेरा टारगेट है, एंड स्टॉप लॉस ट्रेलिंग जो है मेरी 2% की है फॉर एग्जांपल।
ठीक है, टारगेट ट्रेलिंग भी है तो मैंने 1% की ट्रेलिंग डाल दी। तो अगर मेरे को ऐसे स्पेसिफिक काम करना है हर एक स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग, तो मैं इस मैपिंग, ये सेपरेट मैपिंग का सहारा ले सकता हूँ। अगर मैं न्यूट्रली अपने सिग्नल बेसिस पे काम कर रहा हूँ, देन फ्रेंड्स वाई टू यू नो टेक द पेन ऑफ क्रिएटिंग एवरी सिंबल मैपिंग जस्ट लाइक एनी अदर ऑर्डिनरी ब्रिज अवेलेबल इन द मार्केट जो आपसे हर एक चीज़ की सिंबल मैपिंग मांगते हैं। यहाँ पे ये स्टार एंड स्टार मैपिंग इज मोर देन केपेबल इनफ, हमें और कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो अब रुक कर लेते हैं ट्रेडिंग व्यू की तरफ, बट उससे पहले आपको एक बार फिर से छोटे से वीडियो में दिखा देता हूँ कि अगर क्रोम प्लगइन इंस्टॉलेशन है तो आप सेटिंग्स में जाएंगे, सेटिंग्स एंड प्लगइन्स, यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू है, ये ब्लू बटन से फ्री अकाउंट यूजर्स के लिए एक्सटेंशन होता है, ठीक है, तो वो इसे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे ऐड एक्सटेंशन कर लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया फ्री अकाउंट के लिए। जो पेड अकाउंट यूजर्स हैं उनके लिए भी वहीं पे है कि आपने वेबुक ले लिया फॉर एग्जांपल, ये आप इसे कॉपी कर लेंगे, ठीक है, स्ट्रैटेजी टैग जो भी आपका है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे एंड कॉन्फिगर को क्लिक कर देंगे, ओके। तो ये जो स्ट्रैटेजी टैग है यहाँ पे कोई भी नाम से हम बना सकते हैं स्ट्रैटेजी टैग, ठीक है, स्ट्रैटेजी टैग मतलब आपका भी नाम हो सकता है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। मान लीजिए मैंने अपने नाम से एक स्ट्रैटेजी टैग बना दिया फॉर एग्जाम्पल, अब मैं कह रहा हूँ कि भाई ये वाली जो स्ट्रैटेजी है ये दो अकाउंट में जाएगी, ठीक है, तो इस तरीके से मैं उसे एनेबल कर दूंगा। अब सिंबल मैपिंग में मेरा काम क्या हो जाएगा, तुरंत अगर मैंने कोई टैग क्रिएट भी किया है तो मैं उसको आ करके एक्टिव कर दूं कि हाँ भाई इस टैग को भी पास कर देना अगर सिग्नल आए तो, दैट्स इट। यही जॉब होता है एक स्ट्रैटेजी टैग का, सिंबल मैपिंग से पैचअप होना एंड एग्जीक्यूशन को संभालना, ओके। तो चलिए ट्रेडिंग व्यू की तरफ चलते हैं और अपने चार्ट पे लगी हुई स्ट्रैटेजी हम यहाँ पे सेटिंग्स में क्लिक कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे मुझे फील्ड्स मिल जाती हैं, एटीआर लेंथ फैक्टर जो स्टैंडर्ड सेटिंग्स होती हैं, ठीक है। मैं 30 सेकंड के चार्ट पे हूँ इस वक्त, आगे के हमें सिग्नल्स नहीं दिख रहे। ट्रेड फर्स्ट बार ये हमने क्या दिया है, इसका मतलब क्या है कि कई बार हमें जब सिग्नल्स मिलते हैं जैसे नेक्स्ट डे के कैरी फॉरवर्ड के, तो मैं पहले एक बार यहाँ पे टाइमिंग चेंज कर देता हूँ। मान लीजिए कि मैंने रात 11:30 का टाइम लगा दिया इसमें, 11:45 फॉर एग्जांपल, तो अब मुझे यहाँ पे सिग्नल्स दिख जाएंगे, ओके। तो मैंने लॉन्ग एंड शॉर्ट दोनों सेलेक्ट कर लिए क्योंकि मैं बाय और सेल दोनों को कंसिडर करना चाहता हूँ, फ्यूचर्स में ट्रेड करना चाहता हूँ इसलिए ये कर रहा हूँ। अगर ऑप्शंस में करना चाहूँगा तो बिल्कुल ऑप्शंस को क्लिक कर दूंगा। ऑप्शंस यहाँ से जो सपोर्टेड है दैट इज इंडेक्स ऑप्शंस एंड आपके स्टॉक ऑप्शंस, ओके। तो फिलहाल ये वीडियो M6 को टारगेट करता है तो हम सिर्फ फ्यूचर्स की बात करेंगे। स्ट्रैटेजी टैग मैंने BN ऑप्शंस की जगह डाल दिया, रचित फॉर एग्जांपल, ओके, ये नया टैग हमने क्रिएट किया। अब यहाँ पे क्वांटिटी डिफाइन कर दी है मैंने, एक लॉट करना है, दो लॉट करना है, पांच लॉट करना है, जो भी है यहाँ पे डिफाइन कर दिया। तो बस ये मेरी सेटिंग हो गई। अब ये फैक्टर अगर मुझे थोड़ा सा शॉर्ट कर देना है, मान लीजिए 7-3 कर देना है, 5-3 कर देना है, 10-1 कर देना है, जो भी मैं चाहता हूँ वो एग्जैक्टली मैं यहाँ पे डाल के इसे ओके कर दूंगा। अगर मुझे स्टाइलिंग में सिग्नल लेबल्स नहीं चाहिए तो मैं यहाँ से उसे कंट्रोल कर सकता हूँ, जस्ट टू क्लियर द चार्ट, बट हमने चार्ट काफ़ी क्लियर रखा है। तो मैं अब इस पॉइंट पे आ जाता हूँ ट्रेड फर्स्ट बार पे। स्टॉक्सों में प्राइमरीली जो फंक्शन सपोर्टेड होते हैं वो इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए होते हैं, तो चलिए एक हम स्टार्ट पे आ जाते हैं। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, वो ट्रेड फर्स्ट बार अगर आप क्लिक कर देते हैं तो क्या होगा। तो जैसे फॉर एग्जांपल ये जो दिन है, ठीक है ना, अब अगर कोई सिग्नल मेरा कंटिन्यू हो रहा है नेक्स्ट डे डाउन ट्रेंडिंग में, जैसे ये वाला एग्जांपल आप देखिए, 22 तारीख को इसने शॉर्ट दिया, ओके, अब ये जब 25 को मार्केट खुली तो ये सुपर ट्रेंड के नीचे ही था, ठीक है ना, और यहाँ पे उसने ट्रेंड को कंटिन्यू किया। तो ये लाइन्स जो आपका व्यू हैम्पर कर रही है थोड़ा सा, मैं उसे हटा देता हूँ। तो यहाँ पे उसने सिग्नल दिया, तो ट्रेड फर्स्ट बार क्या करेगा, यहाँ पे जब अगर वो ट्रेंड है तो इसके लो के नीचे जब भी कैंडल टूटेगी वहाँ पे ये ट्रेड को एक और शॉट यहाँ पे फायर कर देगा। तो ये है खासियत आपके ट्रेड फर्स्ट बार की, ओके। तो ये इस तरीके से काम करता है। अब यहाँ पे टाइम मेरा सेट हो चुका है, 30 सेकंड के चार्ट पे मैं चला जाता हूँ ताकि हमें सिग्नल जो है जल्दी चाहिए, ओके। तो आपको ताकि इजी हो जाएगा, मैं इनफैक्ट फैक्टर को भी कम कर देता हूँ, 3-2 कर देता हूँ या 3-1 कर देता हूँ ताकि सिग्नल जो है जल्दी जल्दी आ जाए। अब यहाँ पे फटाफट सिग्नल देखने के लिए, तो ये जो तीन डॉट्स हैं मैं इसे क्लिक कर दूंगा, ऐड अलर्ट ऑन स्टॉक्सो एसटीडी सुपर ट्रेंड। तो ये एक हो गया वेबुक का एरिया। तो पहले तो दोस्तों हम देख लेंगे कि शो पॉपअप जो फ्री यूजर्स हैं, ठीक है,
मैं कलर सेट कर दे रहा हूँ क्रूड, ओके। अब यहाँ पे क्या डालना है, आपको मैंने स्टार्ट में ही बताया था इस वीडियो के कि जो मैसेज है, ठीक है, आप वो मैसेज को डाल देंगे यहाँ पे स्ट्रैटेजी डॉट ऑर्डर डॉट अलर्ट अंडरस्क्रोल मैसेज कर्सिव ब्रैकेट क्लोज, ओके। एक बार आप अपनी स्पेलिंग चेक कर लेंगे, कभी कभार स्ट्रैटेजी टाइप करने में या ऑर्डर टाइप करने में मिस्टेक हो सकती है कीबोर्डर। तो जो फ्री यूजर्स हैं वो ये शो पॉपअप का सहारा लेंगे, उसके लिए ट्रेडिंग व्यू खुला होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और जो पेड यूजर्स हैं वो वेबबुक का सहारा लेंगे। तो मैं दोनों इसमें कवरअप कर दूंगा आपको। तो चलिए, मैंने ये अपना अलर्ट जो है सेट कर दिया, मैंने और कुछ नहीं किया है, ठीक है ना। और मुझे यहाँ पे कुछ नहीं करना, जो मेरा बैंक निफ्टी का पहले का ये अलर्ट है ये भी मैं हटा देता हूँ आपके लिए कन्फ्यूजन क्लियर हो जाए। 30 सेकेंड पे हमारी स्ट्रैटेजी इस वक्त सुपर ट्रेंड की चल रही है, ठीक। इसी तरीके से बाकी भी जो स्ट्रैटेजी है, टेक्निकल रेटिंग्स, आपकी बॉलिंजर बैंड्स और जो भी हमने तमाम पीसीआर वैल्यू जो भी हमने दी हैं उनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जिनके लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ। तो हम तब तक वेट करते हैं जब तक एक सिग्नल आता है, तब तक के लिए मैं वीडियो पॉज पे कर देता हूँ। जैसे एक सिग्नल आएगा मैं आपको उसे एक्टिव करके दिखा दूंगा। तो ये सुपर ट्रेंड अब मुझे ब्रीच होता हुआ दिख रहा है, यानी मेरा शॉर्ट साइड का सिग्नल डेवलप होने के पूरे पूरे चांसेस मुझे दिख रहे हैं। अगर ये कैंडल सस्टेन हो गई तो बिल्कुल जैसा मेरा अनुमान था बिल्कुल इसने शॉर्ट सिग्नल दे दिया। अब ये फ्री अकाउंट पे आपने देखा कि ये पॉपअप्स थे और पॉपअप को इसने रीड कर लिया, एग्जीक्यूट कर लिया। अगर मुझे पोजीशन भी ये देखनी तो मैं शिफ्ट F3 दबा दूंगा और ये मेरी पोजीशन विंडो यहीं आ जाएगी। तो मैं यहीं पे देख पा रहा हूं कि मेरा इस वक्त PNL जो है 1000 रुपीज का चल रहा है, 1500 का चल रहा है। ये सब दोस्तों बड़े इजीली मैं टेस्ट कर पा रहा हूँ बिकॉज मेरे पास लाइव ट्रेड सिमुलेटर की फैसिलिटी अवेलेबल है स्टॉक्सों में। तो बहुत इजी हो जाता है, एक रिस्क फ्री टेस्टिंग एनवायरनमेंट। आप इजीली जब आप अपनी स्ट्रैटेजी पे परिपक्व हो जाए, बिकॉज ये जो स्ट्रैटेजी है डेमोन्स्ट्रेशन पर्पस के लिए, आपको अपने पैरामीटर्स अपनी लर्निंग अपने एक्सपीरियंसेस खुद इसमें इन्वॉल्व करने। हमने तो सिर्फ एक सारथी का काम किया है जहाँ पे जो वर्ल्ड वाइड पॉपुलर स्ट्रैटेजीज थी जनरिक, जैसे मूविंग एवरेज हो गई, आपकी सुपर ट्रेंड हो गई, इन्हें हमने स्टॉक्सों के साथ इंटीग्रेट करके पब्लिकली आपके लिए रोल आउट कर दिया एज कोडिंग सैंपल्स। तो आप अपनी भी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं, अगर आपको कोई सहायता की ज़रूरत हो तो हम डेवलप कर सकते हैं आपके लिए। तो डिपेंड करता है बेसिकली आपकी रिक्वायरमेंट्स पे। आप खुद कोडर हैं तो आप इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो अब आपके सामने चल रहा है कि हम पहले 2500 के प्रॉफिट में थे, अब हम नेगेटिव ज़ीरो पे हैं या लॉस में जा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल बीच में भी गए थे। तो अगर मैं चाहता हूँ कि इस पे भी रिस्क मैनेजमेंट आ जाए तो आपको बहुत सारे खूबसूरत फीचर यहाँ पे देखने मिल जाते हैं कि प्रॉफिट लॉकिंग आप कर सकते हैं, पर ट्रेड बेसिस पे भी आप कर सकते हैं कि मैक्सिमम प्रॉफिट या मैक्सिमम लॉस पर ट्रेड मैंने 500 रुपये डाल दिया एंड मैक्सिमम प्रॉफिट मैंने 2000 रुपये डाल दिया फॉर एग्जाम्पल। तो ये ऑटोमेटिकली मैनेज करेगा, ठीक है ना, उस चीज़ को। तो मेरे लिए बहुत ईजी हो जाता है उसे एग्जीक्यूट करना, उसे मैनेज करना। अगर मैंने कोई नेकेड ऑर्डर वहाँ से फायर किया सिग्नल के बेसिस पे और अब मैं चाहता हूँ उसे एग्जिट कर दूँ तो मैं सिग्नल्स पेज पे आ जाऊँगा, वन क्लिक पे यहाँ से मैं एग्जिट भी कर सकता हूँ, ठीक है ना। अगर मुझे उसी ऑर्डर को मॉडिफाई करना होता तो मैं टारगेट एंड स्टॉप लॉस भी डिफाइन कर सकता था अपने हिसाब से। तो इस तरीके से आप स्टॉक्सों के साथ काम कर सकते हैं। तो अब जैसा कि हमने फ्री अकाउंट का देख लिया, अब बारी है पेड अकाउंट की। तो अब हम क्या करेंगे, ये शो पॉपअप हटा देंगे। वेबबुक मैंने कॉपी कर रखा है अपना, ठीक है, जैसा मैंने आपको भी स्टार्ट में दिखाया था। अब मैंने वेबबुक को यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। तो अब वेबबुक से क्या हो जाएगा कि अगर मेरा ये चार्ट बंद भी है, बेसिकली अगर ये रनिंग नहीं है, फ्री अकाउंट वालों को चार्ट रनिंग रखना पड़ेगा बिकॉज इवेंचुअली ये पॉपअप रीड करता है प्लगइन। बट जो पेड यूजर्स हैं ट्रेडिंग व्यू के लिए, उन्होंने अगर चार्ट बंद भी रखा है पर उनके अलर्ट सेट हैं यहाँ पे, तो जैसे ही कोई सिग्नल आएगा वो एग्जीक्यूट ऑटोमेटिकली करेगा। तो आप मल्टी टाइम फ्रेम में लगा सकते हैं, जैसे मैंने 30 सेकंड लगा रखी, मान लीजिए आपको 15 सेकंड पे भी लगाना है। तो पेड अकाउंट यूजर्स को ये फैसिलिटी मिल जाती है कि मल्टी अकाउंट्स में वो काम कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ पे चलिए सिग्नल ही आ गया, जब तक हम करते तो 30 सेकंड्स के चार्ट पे आ जाते हैं। तो अब फिर से देखिए आपकी मेरी लॉन्ग पोजिशन यहाँ पे बन चुकी है, ये 2500 का मेरा PNL है, ठीक है। तो इस तरीके से काम ये करती है स्ट्रैटेजी। अब मैंने जैसा आपको कहा था कि अभी मेरे को अगर लग रहा है कि टारगेट एंड स्टॉप लॉस भी डिफाइन कर दूं मैं और तब स्ट्रैटेजी से नहीं, तो मैं बिल्कुल यहां से अपनी इसको डिफाइन कर सकता हूं कि 8030 मेरा टारगेट है एंड 8020 मेरा स्टॉप लॉस है। तो आप एक ट्रेडिंग व्यू के सिग्नल को भी इजीली टारगेट एंड स्टॉप लॉस
दे सकते हैं यहाँ से। तो आपको कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। देखिए हमारा एग्जीक्यूट हो गया है बेसिकली यहाँ पे, ठीक है ना। तो क्योंकि सिग्नल आ चुका, ओके, तो बड़ा ही इजी वे में आप काम कर सकते हैं। तो पीएनएल आपका देख सकते हैं कि 3500 हो चुका है। तो हमने बड़ा स्मार्टली काम किया, हमने अपने टारगेट एंड स्टॉप लॉस को यहाँ से डिफाइन कर दिया। जब प्रॉफिट मिल रहा है तो हम ले करके निकल भी सकते हैं, सिंपल सी बात है। अगर आप 1 मिनट के अंदर आपने 2000 या 3000 रुपीस एक लॉट पे क्रूड के निकाला, दैट इज नॉट बैड एट ऑल भाई। आप ऑलमोस्ट, मैं कहता हूँ अगर आपके अराउंड 2 लाख रुपीज़ या 1.5 लाख रुपीज़ जो भी क्रूड फ्यूचर्स पे आपके जा रहे हैं, एग्जैक्टली मुझे देखना पड़ेगा कितने लग रहे हैं अभी फिलहाल, तो टू बी प्रिसाइज दोस्तों मेरे इस वक्त जो 1,78,000 का कैपिटल लग रहा है एक लॉट पे, तो एक लॉट पे अगर मैं एक डिसेंट रिटर्न कमा रहा हूँ, ठीक है, तो मैं जाहिर सी बात है मैं सिग्नल के एग्जिट का वेट ना करूँ और मैं यहीं से एग्जिट कर देना चाहता हूँ, मैं बिल्कुल 1 क्लिक पे एग्जिट होकर के आउट हो जाऊँगा उस ट्रेड से। तो ये बड़ा इजी हो जाता है स्टॉक्सों के साथ काम करना, क्योंकि आपको मल्टीपल एवेन्यूज टू ट्रेड मिल जाते हैं। आप इजीली अपनी विंडो कभी आप छोड़ेंगे नहीं ट्रेडिंग व्यू की, और आपको इस पॉइंट पे कभी लगता है कि आप मैन्युअली कुछ और भी फायर करना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल QTPs ओपन कर सकते हैं शिफ्ट F1 विंडो से एंड ईजिली, और ये बटन्स भी आपके पास अवेलेबल हैं जो ट्रेडिंग व्यू प्लगइन से आते हैं। तो 1 क्लिक पे अगर आपको लग रहा है कि दैट इट इज़ अ गुड पोजिशन एंड यू वांट टू शॉर्ट इट, गो अहेड। स्कैल्पिंग करना चाहते हैं, बिल्कुल करिए, ईजिली करिए, फटाफट होएगी, ठीक है। 1 क्लिक पे अली, 1 क्लिक पे एग्जिट। आई थिंक दिस इज वन ऑफ द मोस्ट फास्टेस्ट एग्जीक्यूशन यूटिलिटी दैट यू विल फाइंड इन द कंट्री टुडे, बिकॉज इतनी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी, एल्गो ट्रेडिंग भी है, मैनुअल ट्रेडिंग भी है, बटन्स भी हैं, सब कुछ आपके स्क्रीन पे ही है, ठीक है। आपको लग रहा है कि QTP से आप पर्टिकुलरली ऑप्शन पे काम कर लेना चाहते हैं, MCX ऑप्शन आर नॉट एडवाइजेबल मच बिकॉज कई बार वॉलीटिलिटी वॉल्यूम नहीं होते, तो बट अगर आप करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप एल्गो ट्रेड तो नहीं, बट आप इस तरीके से इसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं QTP से। एल्गो ट्रेडिंग के लिए आपको परफेक्ट सिंबल मैपिंग को पार्स करना पड़ेगा, ठीक है, स्टार एंड स्टार न्यूट्रल बेसिस पे काम नहीं करेगी। तो ये बड़ा इजी हो गया है, देख सकते हैं आप कि हमने फटाक से उसको लिया और फटाक से एग्जिट कर दिया। 1 क्लिक पे एंटर हो गया मैं, अराउंड ये 230 रुपीज़ का PNL है, 1 क्लिक पे एग्जिट हो गया, वेरी सिंपल, वेरी फास्ट, ठीक है। तो बड़ा ही एक सिस्टमैटिक अप्रोच मुझे यहाँ देखने मिल जाती है। तो आपने फ्री अकाउंट का भी देख लिया, आपने पेड अकाउंट्स का भी देख लिया, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ज़रूर देखिए क्योंकि हमने सारी स्ट्रैटेजीज के लिंक वहाँ पे आपके लिए पेस्ट कर दिए हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ आया होगा एंड स्ट्रैटेजी किस प्रकार से सेट होती है ये आप बेहतर तरीके से समझ पाए होंगे। तो चैनल से ज़रूर जुड़े रहें बिकॉज सारे अपडेट्स, रेगुलर वीडियोज़, हम सब कुछ अपने चैनल पर ही अपलोड करते हैं। So thank you friends, thank you for watching.